जी हाँ दोस्तों, आपने सही पढ़ा। आज मैं आपको गारंटी के साथ बताने जा रहा हूँ कि 2051 तक भारत मुस्लिम बहुल देश हो जाएगा। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इस केस की स्टडी कर रहा था तब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिले, और मैं उन फैक्ट्स के ऊपर बताऊँगा कि कैसे 2051 तक भारत मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री हो जाएगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं। तो दोस्तों, भारत इन दो वजहों से मुस्लिम बहुल देश हो जाएगा 2051 तक। आइए दोस्तों जानते हैं दोनों वजहें क्या हैं। नंबर वन, बिलीव इन इस्लाम। दोस्तों, भारत 2051 तक मुस्लिम बहुल देश होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आज न कि भारत बल्कि पूरी दुनिया इस्लाम में बहुत ही ज़्यादा विश्वास रख रहे हैं। क्योंकि ब्रिटेन की एक रिपोर्ट से पता चला है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अदर रिलीजियस के लोग, अगर किसी ने रिलीजन कन्वर्ट किया है तो फिर वो इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं। ख़ास करके अफ्रीका, यूरोप और मिडिल ईस्ट कंट्री के लोग। और ये आंकड़ा बहुत ही तेज़ी से भारत में भी फैल गया है, जिसकी वजह से भारत के अदर रिलीजन के लोग भी इस्लाम में विश्वास रख रहे हैं और इस्लाम कबूल कर रहे हैं। क्योंकि जितने लोग इस्लाम को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं उतने लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं। नंबर टू, ग्रोथ रेट ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन। दोस्तों, दूसरा मेन रीज़न मुस्लिम पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है, क्योंकि मुस्लिम का ग्रोथ रेट बहुत ही ज़्यादा है इस कंपेयर टू एनी अदर इंडियन रिलीजन ग्रोथ रेट, जिसकी वजह से मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज हो रही है। लेकिन दोस्तों, एक बात बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले 20 से 25 सालों में मुस्लिमों की बढ़ने की स्पीड बहुत ही तेज़ी से कम हुई है। क्योंकि लास्ट मुस्लिम ग्रोथ रेट से पता चल रहा है कि मुसलमानों का ग्रोथ रेट अब सिर्फ 24.6% बचा है, वहीं 1951 में 38.6% था। अब आप सोच सकते हैं कि मुसलमानों का ग्रोथ रेट कितना कम हो गया है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट है मुसलमानों का इंडिया में एज़ कम्पेयर टू एनी अदर रिलीजन ग्रोथ रेट। तो दोस्तों, यही है वो दो रीज़न जिसकी वजह से मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है, ख़ास करके नंबर वन रीज़न की वजह से। नंबर वन, बिलीव इन इस्लाम, क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट तो बहुत तेज़ी से घट रहा है लेकिन इस्लाम में बिलीव करने वाले लोगों की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, और ऐसे ही अगर बढ़ती रही तो मैं गारंटी से कहना चाहता हूँ कि 2051 तक मुस्लिम मेजॉरिटी देश हो जाएगा इंडिया। दोस्तों, जब तक कि इस वीडियो में इतना ही है, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ नॉलेज है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और दोस्तों, ये ज़रूर बताइएगा कि क्या आप इस्लाम में बिलीव रखते हैं, अगर हाँ है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भी इंटरेस्टिंग एंड इंडियन से रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप इंडिया के हैं तो। और इस वीडियो का टारगेट 10,000 लाइक है, इसलिए दोस्तों लाइक वाले बटन पर मुक्का मार मार के भारत के 135 करोड़ लोगों की ताकत दिखा दीजिए। और हाँ दोस्तों, सिर्फ इंडिया के लोग ही लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।